ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज की इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस पूजा विधि के बारे में, साथ में धनतेरस की कथा के बारे में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर, धार्मिक ज्ञान पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और तुरंत आप उसे देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरि भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरि को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम श्री कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें, फिर धन्वंतरि स्त्रोत का पाठ करें। धन्वंतरि पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। अब दोस्तों जानते हैं धनतेरस पर यम के नाम के दीपक जलाने की विधि। दीपक जलाने से पहले पूजा करें, किसी लकड़ी के बेज या फिर जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वस्तिक का निशान बनाएं, फिर मिट्टी या आटे के चौमुखी दीपक को उस पर रख दें, फिर उस पर तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, चीनी डालें। इसके बाद एक रुपये का सिक्का डालें और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाएं, दीप को प्रणाम करें, उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। यह ध्यान दें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। दोस्तों बात कर दें धनतेरस की कथा के बारे में। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्रीहरि के मन में एक विचार आया कि एक बार चलकर मृत्युलोक की निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर आ सकती है, आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा और मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने आ गई। धरती पर पहुंचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस ना आऊं तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतजार करें। यह कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी और वे भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न थी। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया और फिर चल दी। आगे चलने पर उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माँ लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर वह गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को शाप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने किसान के खेत से चोरी की, इस सब के बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। भगवान माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही श्राप पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई रोक नहीं सका है, वे तो चलाए माने आज यहाँ तो कल वहाँ, मेरे श्राप के कारण ये 12 वर्ष से आपके पास रुकी थी, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया है। इतने पर भी किसान नहीं माना, लक्ष्मी जी को नहीं भेजने का हठ करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सुझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल 13 से तुम अपने घर साफ सफाई करके उसे लीप पोत कर स्वच्छ करना, शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना, तांबे का एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और उसका घर भी धन धान्य से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 को धनतेरस की तरह मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से धनतेरस की कथाएं, जहां माता लक्ष्मी धरती पर आती है, किसान के वहां रुकती है,
फिर समय अवधि पूरी होते ही वापस जाती है, तब माता लक्ष्मी किसान को आशीर्वाद देकर जाती है कि धनतेरस के दिन इस प्रकार से मेरी पूजा अर्चना करोगे तो मैं तुम्हारे वहां निवास करूंगी। ओम श्री गणेशाय नमः।